हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। और आज हम एक ही वीडियो में एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट यहां पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, मैथमेटिकल पर्सन्स के ऊपर। इसका सारा कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे, तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, स्टेटस, ओके। और इसका मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेटस। कहीं कहीं पर आप देखोगे स्टैटिस्टा भी है, उस सभी का मीनिंग हो जाता है पॉलिटिकल स्टेटस। और ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड को पहले यूज करने वाले व्यक्ति है प्रोफेसर गॉटफ्रेड एचेनवॉल, और रोनाल्ड फिशर को कहा जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कहीं कहीं पर पियर्सन भी लिखा हुआ होता है, लेकिन रोनाल्ड फिशर ही फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर कहे जाते हैं पी सी मेहलोनविस, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम किया है स्टैटिस्टिक्स को बेहतर करने के लिए। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है वो 1931 में कोलकाता में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, ओके। और ये स्टैटिस्टिक्स को हम सिंगुलर सेंस पर भी यूज करते हैं, प्लुरल सेंस में भी यूज करते हैं। सिंगुलर सेंस में अगर स्टैटिस्टिक्स यूज होगा तो वो मेथड हो जाएगा। अगर आप रिसर्च कर रहे हो, कोई पूछ रहा है क्या भाई कौन सा स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हो, तो वो पूछ रहा है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। आप वो मेथड को बताओगे कि मैं ये मेथड यूज कर रहा हूं ताकि मैं बेहतर से रिसर्च को इंटरप्रेट कर पाऊं। वहां पर स्टैटिस्टिकल मेथड को बताया जा रहा है, यानी कि ये सिंगुलर सेंस हो गया। लेकिन तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस है, ऐसे जब कहा जाएगा, यानी कि आपके डाटा में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस है, यहां पर प्लुरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जा रहा है। तो सिंगुलर सेंस में हो गया मेथड, ओके, और प्लुरल सेंस में हो गया डाटा, इसको याद कर लेना है, ओके। फिर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कुछ फेमस डेफिनेशंस है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स के कई सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो क्रॉक्सटन एंड कोडेन का है ये सबसे फेमस है, क्योंकि ये कहते हैं स्टैटिस्टिक्स कलेक्शंस है, प्रेजेंटेशंस है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशंस है न्यूमेरिकल डाटा का, न्यूमेरिकल फैक्ट्स का। तो यहाँ पर कलेक्शंस किया जाएगा, प्रेजेंटेशंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस, ये सब कुछ किया जाएगा, वो होगा स्टैटिस्टिक्स, और ये कहना है क्रॉक्सटन का। सेलिगमैन भी कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स वो साइंस है जहाँ पर हम कलेक्शंस करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कंपेयर करते हैं, इंटरप्रिट करते हैं हमारी कलेक्टेड डाटा का, ओके। तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स। और फिर एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स माना स्टैटिस्टिक्स का सारा प्रिंसिपल और थ्योरीज को हम अगर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं तो वो हो जाएगा एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, ओके। यानी कि ये स्टैटिस्टिक्स का अप्लाइड ब्रांच है जो कि एजुकेशन के फील्ड के ऊपर काम करता है, यानी कि ये इट इज कंसर्न विद एजुकेशन, ओके। स्टैटिस्टिक्स को हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बेसिक फंक्शंस के आधार पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यहां पर हम डिस्क्राइब करेंगे क्या है, उसको डिस्क्राइब करेंगे, को रिलेट करेंगे, यानी कि दो या फिर दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स है वहाँ पर क्या रिलेशंस है, उसको अगर हम को रिलेट कर पा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के आधार पे, उसको कहा जाएगा को रिलेशनल स्टैटिस्टिक्स। फिर अगर स्टैटिस्टिक्स के डाटा को लेके हम कुछ इन्फ्रेंस निकाल पा रहे हैं तो वो हो जाएगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये भी क्या क्या है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स माना क्या करेंगे, हम जो डाटा मिला है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, बेटर वे में डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि जो डाटा आया हुआ है उसको क्लासिफाई करेंगे, टेबुलेट करेंगे और बेटर वे में उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ये ज्यादातर आप देखोगे जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर वेरिएबिलिटी है, जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसके द्वारा ये डिस्क्राइब किया जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट हो गया कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स। कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स में हम को रिलेट करना चाहते हैं, हम सहसंबंध को जानना चाहते हैं, व्हाट आर द रिलेशनशिप, क्या रिलेशंस है, उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम दो चीज़ों के बीच या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच, वेरिएबल्स के बीच क्या सहसंबंध है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू स्टैटिस्टिक्स, इसीलिए ये हो गया कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स, ओके। फिर हो गया इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करेंगे, इन्फ्रेंस निकालेंगे, यानी कि हम यहाँ पर कंक्लूजन निकालेंगे, ड्रॉइंग कंक्लूजन, क्योंकि हमने रिसर्च कर लिया है, स्टैटिस्टिक्स को अच्छे तरह से समझ लिया है, उसको समझने के बाद उसी डाटा को लेके हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स।
फिर डाटा के डिस्ट्रीब्यूशंस के आधार पे भी स्टैटिस्टिक्स को कई तरह से डिवाइड किया जाता है, जैसे हो गया पैरामेट्रिक या फिर नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। पहले है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में आप देखो कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशंस है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट के हिसाब से लिया जाता है। यहाँ पर पॉपुलेशन क्लियरली डिफाइंड होता है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर जो पॉपुलेशंस है उनका पूरा डाटा, पूरा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होता है, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर जैसे कि टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, आर टेस्ट हो गया, ये सारा कुछ आप देखोगे पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, ऐसे स्टैटिस्टिक्स ज़्यादातर आप देखोगे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या फिर एक कंटिन्यूअस पैटर्न वहाँ पर रहता है, और ये जो स्टैटिस्टिक्स है ज़्यादातर इंटरवल स्केल के ऊपर बेस्ड होता है। ओके, फिर हो गया नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स ज़्यादातर आप देखोगे जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ऐसे पॉपुलेशन को ये स्टडी करता है, यानी कि ऐसे पॉपुलेशन में जो स्टैटिस्टिक्स यूज होगा वो होगा नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक, यानी कि पॉपुलेशंस के बारे में कोई क्लियर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशंस नहीं है। ओके, तो ऐसे स्टैटिस्टिक्स को कहा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशंस फ्री स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यहां पर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहां पर ज्यादातर आप देखो कि इंटरवल स्केल जो है वो ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि यहां पर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा नहीं है तो कंटीन्यूअस डाटा आपको नहीं मिलेगा, यानी कि यहां पर नॉन कंटीन्यूअस डाटा के ऊपर काम किया जाएगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कैंडल्स रैंक डिफरेंस हो गया, या फिर स्पीयरमैन के रैंक डिफरेंस, चाय स्क्वायर टेस्ट हो गया, मैन व्हिटनी यू टेस्ट हो गया, ये सारे के सारे आएंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तीन दे देंगे, इसका एक पैरामेट्रिक दे देगा और पूछेगा कि कौन सा पैरामेट्रिक है या फिर कौन सा नॉन पैरामेट्रिक नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चंस देता है, इसको भी अच्छे से याद कर लो। ओके, फिर हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो कि आपके सिलेबस में है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसको अच्छे से हम देखेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, हम चाहते हैं कि उस डाटा को एक ही नंबर से एक्सप्रेस करा जाए या फिर इंटरप्रेट किया जाए, वो एक नंबर से एक्सप्रेस कर पाना ही हो गया सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि हम एक नंबर के द्वारा टोटल डाटा को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मीन हो गया, चाहे वो मेडियन हो गया, चाहे वो मोड हो गया, एक ही नंबर से अगर टोटल डाटा को हम रिप्रेजेंट कर पाए तो वो हो जाएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो सिम्पसन और काफ्का क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऐसा एक टिपिकल वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां कि आप देखोगे जितने भी सारे वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस सारे वैल्यू को। ओके, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर मेजरमेंट। ज्यादातर आप देखोगे फर्स्ट ऑर्डर कहा जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, सेकेंड ऑर्डर कहा जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन को, ओके, और थर्ड ऑर्डर कहा जाता है थर्ड ऑर्डर स्क्यूनेस और कॉर्टेसिस को। ओके, तो तीनों ऑर्डर को हम पढ़ेंगे। ओके, यहां पर एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहां पर स्केटर्डनेस को देखा जा रहा है, यहां पर कितना पीक है या फिर कितना फ्लैट है, कितना स्क्यूड है, इसको देखा जा रहा है, ये तीनों ऑर्डर हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ओके, तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन से है, मीन मेडियन मोड, मीन मेडियन मोड, ऐसे करके सिंपल क्वेश्चन भी देता है बहुत सारे बंदे, क्योंकि स्टैटिस्टिकल पर्सन को डरते हैं इसीलिए रॉन्ग करके आ जाते या फिर स्किप कर देते हैं। मीन मोड मीडियन ये तीनों को कहा जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है एजुकेशनल रिसर्च में, क्योंकि आप देखो किसी के मार्क्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, अचीवमेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो मीन के द्वारा आप करोगे, अटेंडेंस आप कैलकुलेट कर रहे हो, रिप्रेजेंट करना है मीन के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे। ज्यादातर आप देखोगे जो भी एजुकेशनल रिसर्चेस होते हैं ज्यादातर मीन को ही यूज किया जाता है, इसको कहा जाता है एरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्कोर। एवरेज जो होता है अच्छे से इसको समझ लो, एवरेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैथमेटिकल, एक होता है पोजिशनल। ओके, पोजिशन को बताएगा एक एवरेज बताएगा, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके हम एवरेज को बताएंगे। तो मैथमेटिकल एवरेज जो होता है वो होता है मीन, मीन ही ओनली मैथमेटिकल एवरेज है, लेकिन पोजिशनल एवरेज जो है वो होता है मीडियन।
मीडियन पोजीशन को बताएगा, मिड पोजीशन को बताएगा, लेकिन मोड भी है, पोजिशनल एवरेज ये भी बताएगा कि सबसे हाईएस्टली फ्रिक्वेंट पोजीशन में कौन है, मोड बताएगा ये। ओके, तो मीडियन और मोड हो गया पोजिशनल एवरेज, और मीन हो गया मैथमेटिकल एवरेज, इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। और ये तो बहुत बार क्वेश्चंस आया है, बहुत बार क्वेश्चंस आया है, सबसे स्टेबल मेजरमेंट कौन सा है, सबसे स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मीन। क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी सारे स्कोर होते हैं सभी को लेके मीन कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए ये सबसे स्टेबल है, सबसे स्टेबल है। तो बेसिक कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, मीन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मीन हो गया सम ऑफ ऑल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, यानी कि आप देख सकते हो सम ऑफ ऑल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, सभी स्कोर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय एन करेंगे, ये हो जाएगा मीन। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ आपको ऐसे सैंपल दे देंगे या फिर स्कोर दे देंगे, क्या करने को कहा जाएगा, आपको मीन निकालने को कहा जाएगा, आपको बस करना है सभी को ऐड कर देना है डिवाइडेड बाय जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देना है, और जो निकलेगा वो हो जाएगा मीन वैल्यू। यहाँ पर बड़े लेवल का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ सिंपल लेवल का ही क्वेश्चन आता है, सिंपल कैलकुलेशन आपको कहता है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। ओके, इसका प्रॉपर्टीज भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो भी अच्छे से देख लेते हैं। जहां भी आप देखोगे मीन का जो भी स्कोर्स है वहां पर कुछ भी आप ऐड किए तो मीन में भी वो ऐड हो जाएगा, मीन वैल्यू में भी उतना बढ़ जाएगा। सपोज ईच स्कोर में आप कुछ क्या कर रहे हो, कुछ माइनस कर रहे हो, तो यहां पर भी मीन में भी उतना माइनस हो जाएगा, यानी कि जितना ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो उतना ही मीन में ऐड होगा या फिर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक वैसे भी जितना मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे यहाँ पर उतना ही क्या होगा, उतना ही मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा। ओके, और ये तो बहुत ही बड़ी पॉइंट है, ये भी क्वेश्चंस में आया हुआ है, एलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल द वैल्यू फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे ओके यहाँ पर हम पांच नंबर्स ले लेते हैं, यहां पर मीन क्या होगा, यहां पर मीन हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 3 हो गया मीन, ये हो गया मीन। ओके, यानी कि डेविएशन हम जब करेंगे मीन से कितना डेविएट हो रहा है, मीन से जब डेविएट करोगे 1-3 ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, यहां पर 0, यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 2। ये जो मीन डेविएशन है इसका डेविएशन को अब अगर प्लस करोगे तो ये हरदम जीरो ही होगा, यानी कि डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो, ये भी बहुत ही बड़ा पॉइंट है। फिर हो गया नेक्स्ट, क्या है इसका मेरिट वो भी देख लेते हैं। ये है सबसे पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर रिसर्च, रिसर्च में सबसे जो ज्यादा यूज किया जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो है मीन, और ये रिजिडली डिफाइंड मतलब यहां पर ज्यादातर आप देखोगे एक फिक्स्ड फॉर्मूला रहता है उसी के आधार पर आपको निकालना पड़ता है, तो रिजिडली डिफाइंड, और जो रिजिडली डिफाइंड होता है वो सबसे कंसिस्टेंट होता है, सबसे ज्यादा रिलेबल होता है, कोई भी निकालेगा उसी फॉर्मूला से तो वही निकलेगा, यानी कि ये मोस्ट कंसिस्टेंट मोस्ट रिलेबल हो जाएगा। मीन को समझना बहुत ही इजी है, कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है, सारे के सारे को मिला लिया, डिवाइड कर लिया टोटल नंबर से। मीन कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये पोजिशनल वैल्यू नहीं है। ओके, और ये भी क्वेश्चन आते हैं, मीन को हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसको भी अच्छे से याद कर लो। ये भी एक बहुत ही बड़ा मेरिट पॉइंट है कि यहाँ पर सारे वैल्यू को लेके ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मीन निकालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हो गया, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, यानी कि इसका सीक्वेंस को आप अलग अलग कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज यहाँ पर 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, पहले आप 7 को लाए, फिर 5 को लाए, फिर 6 को लाए, फिर 1 को लाए, और इसका ऐड करके आप 4 डिवाइड करके जो मीन निकालोगे, पहले आप क्या करोगे 5 को लाए, फिर 6 को लाए, फिर 7 को लाए, फिर 1 को लाए, इसको डिवाइड करोगे तो वही मीन आएगा, यानी कि सैंपलिंग में भी कोई फर्क नहीं आ रहा है। और ये तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है ये पॉइंट, इसको अच्छे से याद करो, इट इज द मोस्ट स्टेबल मेजरमेंट। ओके, इसका मेरिट जितना है उतना डीमेरिट भी है। ओके, यहां पर अगर कोई
भी ऑब्जर्वेशन मिसिंग है तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। मिसिंग नंबर का मतलब क्या है, 1, 2, 5 और 5 से एक बड़ा नंबर है, ऐसे कह दिया तो आप यहाँ पर निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि सारे नंबर को ऐड करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे उतने सारे नंबर से तो ही मीन निकलेगा। फिर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन का भी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, जैसे कि आप ऐसे कह सकते हो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, फिर कह दिया 50 से बड़े, ओके 50 से बड़े, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आप मीन कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, 50 से बड़े कौन कौन है यहाँ पर कुछ भी डाटा क्लियर नहीं है, ओपन एंडेड हो गया ओके, तो ओपन एंडेड में आप कैलकुलेट कर नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पर भी नंबर क्लैरिटी नहीं आ रहा है ओके। जैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में ये मिडिल में होता है, स्क्यूड में ये मिडिल में नहीं होता है, जब स्क्यूड डायग्राम पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे ओके। ये अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम स्कोर के द्वारा, इसको भी अच्छे से याद कर लो, ये भी क्वेश्चन आते हैं, अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम स्कोर द्वारा। एक्सट्रीम स्कोर माना क्या है, सपोज एक 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 चार बंदे एक एक है तो इनका एवरेज अगर निकालो कि एक हो जाएगा, लेकिन एक 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 है सपोज एक का 97 है, ये देखो ये स्कोर को तुलना में ये स्कोर बहुत ही ज्यादा है, इसको कहा जाएगा एक्सट्रीम स्कोर। अगर यहां पर अगर आप एवरेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100/4 यानी कि 25 हो जाएगा, देखो कितना ज्यादा ये डेविएट हो रहा है, यानी कि एक्सट्रीम स्कोर जहां होगा यानी कि ज्यादा बड़ा या फिर ज्यादा कम जहां पर होगा, ऐसे स्कोर जहां पर होगा वहां पर मीन ज्यादा अफेक्टेड होगा ओके। मीन को ग्राफिकली लोकेट करना ये भी डिफिकल्ट है ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीन वैल्यू सीरीज में प्रेजेंट नहीं होता, सपोज आप यहां पर देख सकते हो 1, 2, 3 और मैं 5 ले लिया ओके, तो चारों को मैं ऐड करूंगा, ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 3, 3, 6, 5, 11/4, ये जो वैल्यू आएगा ये चारों में से नहीं होगा, यानी कि मीन वैल्यू कभी कभी स्कोर के अंदर नहीं होता। कभी कभी यहाँ पर पॉइंट वैल्यू भी आ जाता है, पॉइंट वैल्यू आएगा तो उसको कई कई जगह पर आप इंटरप्रिट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सपोज आप एक रिसर्च कर रहे हो जहां पर आप फैमिली के मेंबर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, अगर आपने टोटल डाटा कलेक्ट कर लिया और उसका मीन निकाला तो सपोज वहां पर पॉइंट आया 2.7, आप कैसे इसको इंटरप्रेट करोगे, सारे के सारे जो सैंपल है ऑन एन एवरेज सभी घर में 2.7 चाइल्ड है, तो कैसे आप बताओगे 2.7 चाइल्ड का मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या बता रहा है, ये वैल्यू डेफिनेट नहीं बता रहा है, तो ये कभी कभी एब्जर्ड वैल्यू भी हो जाता है ओके। और सबसे बड़ी जो फॉल्ट है क्वालिटेटिव डाटा को ये हैंडल कर नहीं पाता, क्वालिटेटिव डाटा के मीन हम निकाल नहीं पाएंगे ओके। तो इसका क्या है यूजेस वो भी थोड़ा देख लेते हैं, जहां पर एवरेज की बात किया जाएगा यानी कि मैथमेटिकल एवरेज जहां पर लगेगा वहां पर हम मीन यूज कर सकते हैं, एवरेज निकाल पाएंगे तो उसको कंपेयर भी कर पाएंगे, सपोज एक कॉलेज है दूसरे कॉलेज है, इसका हमने मार्क का एवरेज निकाल दिया, इसका हमने मार्क का एवरेज निकाल दिया, अब हम कंपेयर कर सकते हैं यहां पर ज्यादा है यहां पर कम है या फिर यहां पर कम है वहां पर ज्यादा है, उसको लेके हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, मीन से फिर हम मीन डेविएशंस निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस की तरफ भी जा सकते हैं ओके। और जहां पर मोस्ट स्टेबल मेजरमेंट चाहिए वहां पर हमको मीन यूज करना है, ये पॉइंट को अच्छे से याद कर लो, 3 बार ये आ चुका है ओके। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया मीडियन, मीडियन मतलब यहां पर हम मिड वैल्यू निकालेंगे, मिडिल पॉइंट निकालेंगे, इसको कहा जाता है पोजिशनल एवरेज, दो ही पोजिशनल एवरेज होते हैं, एक होता है मीडियन एक होता है मोड, लेकिन जो मीन है वो मैथमेटिकल एवरेज है, इसको भी अच्छे से याद कर लो। तो मीडियन क्या करता है, मीडियन टोटल डिस्ट्रीब्यूशन को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, 50% अबव एंड 50% बिलो रहता है मीडियन के ओके। तो मीडियन निकालने का सबसे बड़ा गोल क्या है, ताकि हम मिडिल पॉइंट जान पाए ओके। मीडियन को हम ओरिजिनल डाटा को बेटर डिस्क्राइब करने में यूज करते हैं ओके, बाकी डाटा भी यूज हो सकता है लेकिन ओरिजिनल डाटा सबसे ज्यादा वे में ज्यादा बेहतर वे में ये निकल पाता है, ये बहुत बार क्वेश्चंस आया है, ये पॉइंट को भी अच्छे से याद कर लो। मेडियन को कहा जाता है सेकेंड क्वार्टाइल या फिर फिफ्थ डेसाइल या फिर 50th percentile। तो सेकेंड क्वार्टाइल माना क्या, टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस को अगर हम 4 क्वार्टर में डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, तो ये मिड वाला हो जाएगा मेडियन यानी कि सेकेंड क्वार्टाइल। डेसाइल माना तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस को अगर हम 10 में डिवाइड कर रहे हैं तो एक एक पार्ट हो जाएगा एक एक डिसाइल, यानी कि ये हो जाएगा ये D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9 रहेगा, एक एक पॉइंट 1, 2, 3,
चार पाँच छः सात आठ, ये नौ, ये दस। ओके, तो ये जो मिडिल वाला है D5, ये हो जाएगा मेडियन। वैसे भी ठीक, हम अगर उसको 100 में डिवाइड कर ले तो वो हो जाएगा परसेंटाइल, तो इसका भी मिडिल कौन सा हो जाएगा, 50th हो जाएगा। तो सेकेंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डिसाइल या फिर 15th परसेंटाइल, ये सब मेडियन है। तो मेडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। मेडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले सारे नंबर्स को ऑर्डर में रखना पड़ेगा। जब तक आप ऑर्डर में नहीं रखोगे मेडियन निकाल नहीं पाओगे। लेकिन मीन में क्या होता था, ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओके, तो पहले हम ऑर्डर करेंगे, फिर कितना नंबर है उसको काउंट करेंगे। आइदर ऑड होगा नहीं तो इवन होगा, ऑड होगा नहीं तो इवन होगा। ऑड का मतलब एक हो सकता है, तीन हो सकता है, फाइव हो सकता है, सेवन हो सकता है, नाइन हो, ऐसे नंबर्स अगर आ रहे हैं तो ये ऑड है। इवन का मतलब टू सिक्स एट टेन, ऐसे नंबर्स आ रहे तो वो इवन है। तो ऑड नंबर होगा तो जितना नंबर आप मैंने काउंट किया है, सपोज यहाँ पर पांच नंबर काउंट किया है, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पर जितना नंबर हमने काउंट किया है वहां पर प्लस वन करेंगे और वहां पर दो डिवाइड करेंगे, इतना वाला जो आइटम होगा वो हो जाएगा आपका मीडियन। मीडियन तो यहां पर एग्जांपल भी दिया गया है, ये जो नंबर्स है पहले आपको काउंट करना है कितना नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, n इज इक्वल टू 9 है। तो हम क्या करेंगे, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में हम क्या करेंगे, ऑड नंबर में 9 + 1 / 2th आइटम को हम मीडियन करेंगे, यानी कि ये 10/2th आइटम, यानी कि फिफ्थ आइटम, यानी कि 42। फिफ्थ आइटम कौन सा है, 42 है इसका मीडियन। ठीक वैसे ही इवन नंबर का भी हम करेंगे। तो पहले काम है ऑर्डर करना, फिर दूसरा काम है उसको गिनना कितना नंबर्स है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर हमने ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है, तो यहाँ पर एन कितना है, 6 है, 6 माना ये इवन नंबर है। इवन नंबर है तो क्या होगा, इवन नंबर है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इवन है तो जितना नंबर है डिवाइडेड बाय टूथ नंबर लाएंगे और उससे नेक्स्ट नंबर लाएंगे, ये नेक्स्ट नंबर, ओके, और उसमें डिवाइडेड बाय टू कर देंगे, वही हो जाएगा आपका रिजल्ट। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, n बाय टूथ टर्म क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, और n बाय टूथ का जो नेक्स्ट नंबर है वो हो गया 25, यानी कि ये दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 23। ओके, फिर इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ये बैलेंसिंग पॉइंट है, जहां पर आप देखोगे ऊपर में इसका 50% रहता है, बिलो में भी इसका 50% रहता है, यानी कि ये मिड पॉइंट को बता रहा है। ओके, यहां पर अगर साइन को हम इग्नोर करें और मीडियन से डेविएशंस निकालेंगे तो जो डेविएशंस का सम क्या होगा, ये सबसे मिनिमम होगा। लेकिन मीन में क्या होता था, मीन में जीरो होता था, इसको अच्छे से याद कर लो, मीन में जीरो होता था लेकिन यहां पर मिनिमम हो रहा है। और ये एक्सट्रीम स्कोर द्वारा इफेक्ट नहीं होगा। एक्सट्रीम स्कोर द्वारा कौन इफेक्ट नहीं होता है, मेडियन इफेक्ट नहीं होता है और मोड भी इफेक्ट नहीं होता है, इसको अच्छे से याद कर लो। एक्सट्रीम स्कोर द्वारा कैसे इफेक्ट नहीं हो रहा है इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। सपोज यहाँ पर 1 है 3 है और एक नंबर है, यहाँ पर कुछ भी आप ले लो, 10,000 ले लो, 10 लाख ले लो, 10 करोड़ ले लो, कुछ भी बड़े नंबर ले लो, ये बहुत ही एक्सट्रीम हो गया है, बहुत ही बड़ा नंबर, ये तुलना में ये बहुत ही बड़ा नंबर हो रहा है। लेकिन मीडियन कौन होगा, मिडिल पॉइंट ही होगा, इसको आप कितना भी ले लो मिडिल पॉइंट कितना होगा, ये तीनों में से मिडिल कौन है, 3 ही है, यानी कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से एक्सट्रीम स्कोर द्वारा इफेक्टेड नहीं हो रहा है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। ओके, और ये सबसे कम पॉपुलर है मीन और मोड से। तो इसका क्या है मेरिट डीमेरिट वो भी देख लेते हैं। इसको रिजिडली हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि यहां भी एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा कोई भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो रिजिडली डिफाइंड होगा वो ज्यादातर कंसिस्टेंट होगा, वो ज्यादा रिलायबल होगा। इसको समझना ईजी है, इसको कैलकुलेट करना भी ईजी है, और ये है सबसे बड़ी पॉइंट, ये एक्सट्रीम वैल्यू द्वारा इफेक्ट नहीं होता। ओके, अगर एक्सट्रीम वैल्यू हमको पता भी नहीं होगा तो भी हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भी देखा, 1 3 यहाँ पर बहुत बड़ा वैल्यू है, ऐसे कह रहा हूँ मैं, ये पता भी नहीं होगा तो भी हम मीडियन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 3 से बड़ा है, माना मिडिल कौन हो जाएगा, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरे वाले में मिडिल हो जाएगा दूसरा वाला। कभी कभी हम इसको देख के भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, 1 हो गया 5 हो गया 9 हो गया, यहाँ पर मीडियन कौन है, 5 है यहाँ पर, कभी तो कभी कभी हम देख के भी निकाल सकते हैं, इंस्पेक्शन द्वारा भी निकाल सकते हैं। मीडियन इज लेस अफेक्टेड बाय आउटलायर्स या फिर स्क्यूड डाटा, स्क्यूड डाटा द्वारा, आउटलायर्स द्वारा ये कम अफेक्टेड होता है।
ये सुइटेबल है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस में। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे कैसे मीडियन भी रिफ्लेक्ट होता है। ओके, और यहां पर आप देखो कि ये ज्यादातर ऑर्डिनल स्केल में बेस्ड होता है, यानी कि ऑर्डिनल स्केल को ये बेटर वे में क्या कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। और ये क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव डाटा को भी एक्सप्रेस कर पाता है, यानी कि हम जहां पर नंबर होगा वहां पर तो हम मीडियन निकाल सकते हैं, जहां पर नंबर नहीं होगा, सपोज ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, मिडिल कौन है, तो यहां पर देखो नॉन न्यूमेरिकल डाटा को भी हम निकाल पा रहे हैं। ओके, मिसिंग नंबर है, इनकम्प्लीट डाटा है, तो भी हम मीडियन निकाल सकते हैं। सपोज मैंने कहा एक है, फाइव है और एक नंबर है लेकिन वो पांच से बड़ा है, क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन यहां पर भी मीडियन हम निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा फाइव। ओके, ओपन क्लास में भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका डीमेरिट क्या है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, मीडियन सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये सभी वैल्यू को लेके नहीं आ रहा है। अगर हम वन थ्री और फाइव में देखें तो थ्री मीडियन है, यानी कि ये वन को कंसिडर नहीं कर रहा है, फाइव को कंसिडर नहीं कर रहा है। लेकिन मीन में क्या होता था, मीन में सभी को ऐड करना पड़ता था, यानी कि सभी को लेके मीन होता था, लेकिन यहां पर सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए ये भी इसका डिमेरिट हो गया। जब लार्जर सैंपल साइज होगा तो वहां पर मीडियन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मीडियन में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम उसको अरेंज कर रहे हैं। ओके, अरेंज करने के बाद फिर हम ऑड है या इवन है उसको देख रहे हैं, उसके बाद ही हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अरेंज करना बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। इसको लेके हम फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में फर्दर ये यूज नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट ए नंबर है और ये नंबर कैसे आ रहा है, मियर एक पर्टिकुलर पोजिशंस को ही ये बता रहा है। ओके, मीन को हम क्यों फर्दर मैथमेटिकल के लिए यूज कर पा रहे थे, क्योंकि यहां पर सभी नंबर का कंट्रीब्यूशन है, सभी नंबर को कंट्रीब्यूट किया गया है, सभी नंबर को लेके मीन कैलकुलेट किया गया है। लेकिन मीडियन क्या हो रहा है, मीडियन सिर्फ एक ही पोजीशंस को बता रहा है, सभी नंबर का वहां पर कंट्रीब्यूशंस नहीं है। ओके, इसीलिए यहां पर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं होगा। मीडियन कभी कभी सीरीज में नहीं होता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो एक दो तीन चार, मैंने ले लिया चार आइटम है तो क्या होगा, ये एन इज इक्वल टू फोर हो गया, चार आइटम है तो क्या होगा, पहले हम फोर बाय टू करेंगे, यानी कि सेकेंड आइटम कौन है ये है, उसका नेक्स्ट आइटम कौन है ये है, ये दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय टू करेंगे, ये हो जाएगा मीडियन, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 यहां पर मीडियन आएगा। तो यहां पर देखो 2.5 तो सीरीज में है ही नहीं। ओके, कभी कभी ये पॉइंट वैल्यू भी आएगा, 2.5 आएगा। ओके, और ये सैम्पलिंग द्वारा अफेक्टेड होगा, सैम्पलिंग द्वारा अफेक्टेड होगा, कैसे होगा, कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर 1 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, 12 है, सपोज यहाँ से हमको तीन नंबर निकालने हैं, पहले 1 आया, फिर 7 आया, फिर 10 आया, तो यहाँ पर मीडियन क्या हो गया, 7 हो गया। सपोज फिर दूसरी बार हमने निकाला तो एक बार 1 आया, फिर 10 आया, फिर 12 आया, तो इसका मीडियन हो गया, तो इसका मीडियन हो गया 10। तो यहां पर देखो सैंपलिंग में क्या हो रहा है, सैंपलिंग में पोजीशंस चेंज हो रहा है, इसीलिए यहां पर मीडियन भी इफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका यूज क्या है, जब हमको मीड पॉइंट निकालना है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। मीड पॉइंट के हिसाब से अगर हम रिलेटिव पोजीशंस को कंपेयर करना चाहते हैं तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जब एक्सट्रीम स्कोर, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है, जब एक्सट्रीम स्कोर मीन को इफेक्ट करता है तो हम क्या यूज करते हैं, मीडियन ज्यादातर यूज करते हैं। जब हमको सिर्फ 50% डाटा के ऊपर काम करना पड़ता है तो हमको मीडियन यूज करना पड़ता है, यानी कि मीडियन निकाल लिया तो सपोज हम हायर 50% के ऊपर काम करना चाहते हैं, मीडियन निकाल दिया तो हम ये को इग्नोर करेंगे, ये पार्ट को हम काम करेंगे, यानी कि जहां पर 50% डाटा यूज करना होता है वहां पर हम मीडियन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया मोड। मोड को कहा जाता है हाईएस्ट ऑकर्ड या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग स्कोर, जो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा बार आया है उसको ही मोड कहा जाता है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज आइटम, मोस्ट कॉमनली जो है वो है मोड। ओके, ये भी एक पोजिशनल एवरेज है, मीडियन के साथ साथ मोड भी एक पोजिशनल एवरेज है, केवल मीन ही एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो मैथमेटिकल एवरेज है। तो कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है, अगर आप देखोगे हम जो डिस्ट्रीब्यूशंस दिया गया होता है, सपोज 5, 6, 7, 9, 9 ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशंस दिया गया है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकर्ड आइटम को हम ढूंढेंगे या फिर स्कोर को हम ढूंढेंगे जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ
होगा वो हो जाएगा उसी डिस्ट्रीब्यूशंस का मोड। अगर किसी में 6, 7, 8, 9 होके है तो यहाँ पर 5 एक बार है, 6 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, 9 भी एक बार है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोई भी नहीं है तो उसको कहा जाता है नो मोड, यानी कि वहाँ पर कोई भी स्कोर, कोई भी आइटम हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑकरेंस नहीं आ रहा है, यानी कि सभी का नंबर ऑफ ऑकरेंस सेम है। ऐसे भी हो सकता है 5, 5, 6, 6, 7, 7 ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर भी आप नहीं कह सकते कि 5, 6, 7 सब मोड है। यहाँ पर जितने भी आइटम है 5, 6 और 7 उनका ऑकरेंस सेम है, यानी कि यहाँ पर मोड नहीं है, नो मोड आप कह सकते हो। कहीं कहीं पर एक मोड होता है, जैसे कि ये एग्जांपल हो गया, उसको हम कहते हैं यूनी मोडल, जहाँ पर एक मोड होगा। ओके, 5, 9, 10, 10 यहाँ पर कितना मोड है, एक ही मोड है, वो है 10, तो ये हो जाएगा यूनी मोडल। फिर होता है बाई मोडल, जहाँ पर दो मोड हो सकते हैं, 5, 6, 7, 7, 8, 8 यहाँ पर देखो 7 दो बार आ रहा है, 8 दो बार आ रहा है, बाकी एलिमेंट भी है। अगर ऐसा होता 7, 7 और 8, 8 ऐसा होता तो यहाँ पर मोड ही नहीं होता, क्योंकि जो दो एलिमेंट है वो नंबर ऑफ टाइम सेम ही है। लेकिन यहाँ पर देखो 4 एलिमेंट है और वहाँ पर दो एलिमेंट दो बार आ रहे हैं, ज़्यादा बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर दो मोड है, यानी कि ये बाई मोडल है। ऐसे करके जहाँ पर 3 मोड्स होते हैं उसको कहा जाता है ट्राई मोडल, 3 से ज़्यादा मोड होंगे तो उनको कहा जाएगा मल्टी मोडल। ओके, तो क्या है इसका मेरिट वो भी देख लेते हैं। ये सबसे क्विकेस्ट है। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आपको वो सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है जो कि बहुत ही कम टाइम में निकल सकता है, वो होगा मोड। ओके, मोड इज द क्विकेस्ट अमंग ऑल द 3, ये तीनों के बीच सबसे क्विकेस्ट है मोड। ओके, हम इजीली अंडरस्टूड भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी इजी कर सकते हैं, और ये एक्सट्रीम वैल्यू के द्वारा अफेक्ट नहीं होता, ना मेडियन होता है ना मोड होता है, सिर्फ कौन होता है, सिर्फ मीन ही एक्सट्रीम स्कोर द्वारा अफेक्ट होता है। ओके, एक्सट्रीम स्कोर पता नहीं होगा तो भी हम मोड निकाल पाएंगे जैसे मीडियन में होता था। यहाँ पर सपोज 1, 3, 5, 5 है और एक नंबर है जो कि 5 से बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है हमको पता नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर मोड कौन हो रहा है, 5 हो रहा है। ओके, इट कैन बी लोकेटेड जस्ट बाय इंस्पेक्शंस, इंस्पेक्शंस के द्वारा भी आप निकाल सकते हो। 1, 3, 5, 5 यहाँ पर है तो आप 5 को देख के निकाल पा रहे हो कि ये मोड है, तो देख के भी हम निकाल पाते हैं। आप डायग्रामेटिकली भी इसको प्रेजेंट कर पाओगे, इसको हम ग्राफिकली भी लोकेट कर सकते हैं। सपोज एक डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर स्कोर है 10, 20, 30 है और यहां पर हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, 10 आया है 5 बार, 20 आया है 10 बार और 30 आया है सपोज 40th बार, तो यहाँ पर हम देख के भी पता कर सकते हैं कौन बड़ा है, कौन कितना बार आया है, यानी कि ये ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट हो सकता है। ओके, इट ऑलवेज प्रेजेंट इन द डाटा, डाटा में ये हमेशा प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम डाटा को देखेंगे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑकरेंस रहा होगा उसको ही हम कहेंगे मोड, तो ये प्रेजेंट होगा डिस्ट्रीब्यूशंस में। ओके, तो ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। सपोज ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड बच्चों को दिया गया है, डी ग्रेड बच्चों को दिया गया है, ए ग्रेड 10 आए हैं, बी ग्रेड 5 आए हैं, सी ग्रेड 2 आए हैं, डी ग्रेड 25 आए हैं, तो कौन सा ग्रेड सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट ऑकरेंस कौन सा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये है डी वाला, तो ये हो जाएगा मोड। तो यहाँ तो हमको यहाँ पर क्वालिटेटिव डाटा दिया गया है, क्वांटिटेटिव डाटा नहीं दिया गया है, लेकिन उसको भी हम क्या कर पा रहे हैं, मोड निकाल पा रहे हैं। ओके, तो इसका कुछ डीमेरिट्स भी है, उसको भी देख लेते हैं। ये रिजिडली डिफाइन नहीं है, रिजिडली डिफाइन नहीं है, जैसे मीन रिजिडली डिफाइन था, मेडियन रिजिडली डिफाइन था, ये रिजिडली डिफाइन नहीं है। ओके, ये एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है या फिर बहुत ही कम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये सभी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1, 3, 5, 5 है तो 5 हो गया मोड, तो ये सिर्फ 5 को ही एक्सप्रेस कर रहा है, 5 का ही आइडेंटिटी बता रहा है, ये ज़्यादा बार है इसको बता रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई डाटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। ओके, क्योंकि ये एक ही नंबर को एक्सप्रेस कर रहा है, सारे नंबर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है जैसे मीन में होते थे, इसीलिए इसको हम फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, और ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है एक ही नंबर का दे रहा है, यानी कि ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो गया। फिर कई कई जगह ऐसा भी होता है जहाँ पर मोड नहीं होता है, मोड नहीं होता है, जीरो मोडल जैसे हो गया, जहाँ पर सभी स्कोर का
ऑकरेंस या फिर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है वहाँ पर नो मोड हो जाता है, यानी कि ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जहाँ पर नो मोड भी होता है, ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। ओके, तो इट कान हैंडल मिसिंग डाटा लाइक मीडियन, मीडियन की तरह ये मिसिंग डाटा को कुछ हद तक हैंडल कर सकता है, सभी को हैंडल नहीं कर सकता। सपोज एक है, दो है, पाँच है, पाँच है, यहाँ पर डैश दिया गया है, एक डाटा मिसिंग है, यहाँ पर एक हो गया तो ये पाँच भी मोड हो जाएगा, ये एक भी मोड हो जाएगा, ये क्या है हमको पता नहीं, ये दो हो गया तो ये पाँच भी हो सकता है, ये दो भी हो सकता है, ये पाँच हो गया तो केवल पाँच भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मिसिंग डाटा होगा तो हैंडल करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा अगर है एक दो पाँच पाँच है और यहाँ पर क्लियर डिफाइंड हो गया कि ये पाँच से बड़ा एक नंबर है, ऐसे करके क्लियर डिफाइंड होगा तो आप वहाँ पर मोड निकाल पाओगे, लेकिन क्लियरली डिफाइन नहीं है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे इन टर्म ऑफ मोड। ओके, मोड को कहा जाता है मोस्ट कॉमनली यूज आइटम। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, एक शॉप में कौन सा शूज सबसे ज्यादा सेल हुआ है, वो मोड के द्वारा जाना जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सबसे क्विकेस्ट मेजर है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। और जो एम्पायरिकल फॉर्मूला है इसको भी अच्छे से याद कर लो, मोड इज इक्वल टू 3 median - 2 mean। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, पहले मोड को रख दो, फिर मीन को रख दो और लास्ट में मेडियन को रख दो, अक्षर के हिसाब से देखो, मोड मीन और मेडियन का सबसे ज़्यादा अक्षर है, इसमें एक लिख दो, इसमें दो लिख दो, इसमें तीन लिख दो, यहाँ पर प्लस करके इक्वल टू कर दो, 1 mode + 2 mean = 3 median, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट हो गया मेजर ऑफ डिस्पर्शंस। मेजर ऑफ डिस्पर्शंस क्यों चाहिए, हमने पढ़ा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, यहाँ पर क्या होता था, जो डाटा था डाटा को एक ही सिंगल नंबर में हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिंगल नंबर में हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट करने से जो ओवरऑल डाटा है या फिर ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली कॉन्वे नहीं हो पाता। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लो, एक सेट है, ओके, यहाँ पर बच्चे एग्जाम दिए हुए हैं और यहाँ पर चार बच्चे हैं, सभी ने 40 40 40 लाया, तो हमारा जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन हम निकालेंगे तो क्या होगा, सभी का मीन 40 ही आएगा। ओके, फिर एक स्कूल है, सपोज वहाँ पर चार बच्चे हैं, जहाँ पर एक बच्चा 100 में से 100 लाया है, फिर एक बच्चा 10 लाया है, फिर एक बच्चा 20 लाया है, फिर एक बच्चा 30 लाया है, यहाँ पर भी कितना हो रही है, यहाँ पर भी तो 160 हो रहे हैं, लेकिन चार बच्चों को डिवाइड करेंगे तो ये भी 40 होगा मीन वैल्यू। ओके, फिर एक कॉलेज है या फिर स्कूल है जहाँ पर बच्चे पहला बच्चा लाया है 60, फिर एक बच्चा लाया है 40, फिर एक बच्चा 30, फिर एक बच्चा 30, यहाँ पर भी हो रहा है कितना, 160 हो रहा है, लेकिन एवरेज कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। तो आप ये तीनों में देखो, यहाँ पर भी एवरेज 40 है, यहाँ पर भी एवरेज 40 है, यहाँ पर भी एवरेज 40 है, लेकिन हम सिर्फ मीन के आधार पे देखेंगे तो ए बी सी तीनों कॉलेज सेम ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर 40 हो रहा है, यहाँ पर 40, यहाँ पर 40, तो क्या हम इन तीनों कॉलेज को एक कहेंगे ये मीन के आधार पे या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के आधार पे? नहीं, ये तीनों कॉलेज का जो रिजल्ट आप देख रहे हो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है, तो इसको टैकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं कर पाता था, इसको अब टैकल करेगा मेजर ऑफ डिस्पर्शंस। मेजर ऑफ डिस्पर्शंस क्या करेगा, ये स्कैटर्डनेस को बताएगा, कौन से नंबर के इर्द गिर्द ज़्यादातर सारे के सारे वैल्यू स्कैटर्ड हुए है या फिर फैले हुए है, इसको ये बताने की कोशिश करेगा। स्कैटर्डनेस को या फिर डिस्पर्शन को कहीं कहीं आपको वेरिएबिलिटी वर्ड भी देखने को मिलेगा। ओके, तो कुछ फेमस डेफिनेशंस है उसको भी देख लेते हैं। ब्रूक्स और डी क्या कहते हैं, डिस्पर्शन डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस है या फिर वेरिएशंस है अबाउट ए सेंट्रल वैल्यू। ओके, कोई एक वैल्यू है इसके इर्द गिर्द कितने ज़्यादा स्कैटर्डनेस है, कितना ज़्यादा वेरिएशंस है, उसको जान पाना ही डिस्पर्शंस है और वही है मेजर ऑफ डिस्पर्शंस। ओके, और डेकमैन कहते हैं मीन के इर्द गिर्द कितना ज़्यादा स्कैटर्डनेस है या फिर फैलाव है, उसको जान पाना मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, ये कहना है थॉमस का। यानी कि इन जनरल जब आप देखोगे तो कोई पर्टिकुलर नंबर है इसके इर्द गिर्द कितना ज़्यादा फैलाव है या फिर स्कैटर्डनेस है या फिर वेरिएशंस है, उसको जान पाना ही मेजर ऑफ डिस्पर्शंस है। तो ये चार तरह के डिस्पर्शंस होते हैं, एक होता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशंस, मीन डेविएशंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। सबसे जो क्विकेस्ट है यहाँ पर रेंज है, वहाँ पर जैसे सबसे क्विकेस्ट था मोड, ओके, यहाँ पर भी सबसे क्विकेस्ट है।
तो इन चारों को अच्छे से पढ़ना है। ऐसे भी प्लेन क्वेश्चंस दे देता है, मेजर ऑफ डिस्पर्शंस कौन सा नहीं है कहेगा, ये तीन दे देगा, एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक नाम यहाँ पर दे देगा, ऐसे करके भी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी देता है, तो नाम भी आपको बेहतर से मालूम होना चाहिए। ओके, तो डिस्पर्शंस को ज्यादातर आप देखोगे आइदर हम एब्सोल्यूट वे में मेजर करते हैं या फिर रिलेटिव वे में मेजर करते हैं। ओके, एब्सोल्यूट मेजर का मतलब है इंपेरेटिव मेजर एंड रिलेटिव मेजर का मतलब हो गया डिग्री ऑफ वेरिएशंस। ओके, अगर हम डिस्पर्शंस को ओरिजिनल यूनिट में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर जैसे कि हम रेंज में क्वार्टाइल डेविएशंस, मीन डेविएशंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, लोरेंज कर्व में हम एब्सोल्यूट मेजर को दिखाते हैं, यानी कि हम ओरिजिनल यूनिट में इसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये है एब्सोल्यूट मेजर के एग्जांपल। लेकिन कई कई बार डिस्पर्शंस को आपको परसेंटेज के हिसाब से एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो ऐसे मेजर्स को कहा जाएगा रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव मेजर्स, तो रिलेटिव मेजर्स में ज्यादातर कोएफिशिएंट सारे आ जाएंगे, जैसे यहां पर रेंज था यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा, जैसे यहां पर क्वार्टाइल डेविएशंस था यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस हो जाएगा, तो सारे के सारे जो कोएफिशिएंट है रिलेटिव मेजर्स में आएंगे। ओके, तो पहले देखेंगे सबसे जो सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शंस है रेंज, उसको हम पहले देखेंगे। तो रेंज का मतलब हो गया डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वहां पर जो स्मॉलेस्ट है और जो लार्जेस्ट है, ये दोनों का जो डिफरेंस हम देखेंगे वो हो जाएगा रेंज, वो हो जाएगा रेंज। फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो गया, कोएफिशिएंट सारे के सारे रिलेटिव मेजर होते हैं, और रेंज का कोएफिशिएंट माना रेंज का रिलेटिव मेजर, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो कोएफिशिएंट होता है ना, ये ज्यादातर आपको कंपेयर करने के लिए ज्यादातर हेल्पफुल होते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट रेंज डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू का सम, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये दोनों को प्लस करेंगे। तो रेंज का मतलब क्या हो गया, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों का एक्सट्रीम वैल्यू जो है, इनका जो एक्सट्रीम वैल्यू है इन दोनों का सम ऑफ, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। और ज्यादातर आप देखोगे ये जो कोएफिशिएंट है एक किंबा एक से कम ही होगा, एक से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। तो मेरिट क्या है रेंज का वो भी देख लेते हैं, इट इज़ द क्विकेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शंस, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, इसको भी अच्छे से जान लो। जितने भी डिस्पर्शंस आप पढ़ोगे, क्यू डी हो गया, एस डी हो गया, एम डी हो गया, सारे को निकालने के लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन रेंज निकालने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए इसको कहा जा रहा है क्विकेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शंस। ओके, फिर ये इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि आपको हाईएस्ट वैल्यू जानना है और लोएस्ट वैल्यू जानना है, इन दोनों का डिफरेंस कर देना है, और इजी टू अंडरस्टैंड भी है। इसका डीमेरिट क्या है, इसका डीमेरिट है यहाँ पर हम लार्जेस्ट वैल्यू ले रहे हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रहे हैं, सिर्फ दो ही वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट है लार्जेस्ट, ये बीच में क्या है उसको हम नहीं जान पा रहे, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये सैम्पलिंग के द्वारा भी फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि यहाँ पर सपोज 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, अगर हम सैम्पलिंग के हिसाब से पहले 20 को ला रहे हैं, बाद में फिर 10 को ला रहे हैं, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 10 हो रहा है, लेकिन ये 10 इसका रेंज नहीं है, यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू 10 है, हाईएस्ट वैल्यू 40 है, इनका डिफरेंस हो गया 30 होगा इनका रेंज, लेकिन सैंपलिंग के चलते राइट रेंज निकल नहीं पा रहा है, यानी कि फ्लक्चुएटेड बाय सैंपलिंग। ओके, और ओपन इंटरवल में इसको आप यूज कर ही नहीं सकते, इसको यूज करने के लिए आपको एक स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, एक लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, अगर ये ओपन जो है ओपननेस स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ है तो आप स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं पाओगे, अगर ये ओपननेस लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ है तो ओपननेस आप लार्जेस्ट वैल्यू नहीं पाओगे, तो यहाँ पर दिक्कत आएगा रेंज निकालने के लिए, इसीलिए ओपन इंटरवल में रेंज नहीं निकाल पाओगे। फिर इसका यूज क्या है वो भी देख लेते हैं, रेंज को हम किस फील्ड में यूज करते हैं, ज्यादातर क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम रेंज का यूज करते हैं। सपोज एक शॉपकीपर है, वो पता चल गया है कौन से रेंज वाले कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, उसी के हिसाब से वो सामान को रखेगा ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट कर पाए। ओके, कौन सा रेंज ज्यादा सेल नहीं हो रहा है उस आइटम को वो क्या करेगा, उस आइटम को वो रिड्यूस कर देगा, यानी कि ये क्वालिटी कंट्रोल में काम आ रहा है। ओके,
फिर जो नेक्स्ट हो गया वेदर फोरकास्ट में भी रेंज यूज होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर कहा जाता है। यहाँ पर यहाँ का तापमान 40 डिग्री हाईएस्ट था और लोएस्ट था 23 डिग्री। ये क्या है, हम हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को लेके हम वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं। फिर प्राइस में हो गया, सेल में हो गया, जो वेरिएशंस आ रहे हैं उसको भी हम रेंज के द्वारा बेटर पता कर पाएंगे। ओके, फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया वो है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या है, जो फर्स्ट क्वार्टाइल है और थर्ड क्वार्टाइल है उनका डिफरेंस होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल का मतलब हो गया टोटल डाटा को हम जब चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, ईच पार्ट को कहा जा रहा है क्वार्टाइल। और ये है पहला क्वार्टाइल, ये है सेकेंड क्वार्टाइल, ये है थर्ड क्वार्टाइल। ओके, तो ये जो फर्स्ट क्वार्टाइल है और ये जो थर्ड क्वार्टाइल है, ये दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया Q3 माइनस Q1, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। तो ये कितना अमाउंट को बता रहा है, ये मिडिल के 50% को बता रहा है। मिडिल के 50% ये Q1 है, ये Q3 है, ये टोटल बता रहा है, इतने को ही बता रहा है। यानी कि ये मिडिल के 50%, ये था 25, ये था 25, ये था 25, ये भी था 25, तो मिडिल का 50% को ये बता रहा है। ओके, फिर हो गया क्वार्टाइल डेविएशंस। क्वार्टाइल डेविएशंस, क्वार्टाइल डेविएशंस का मतलब है हम जब इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे उसको अगर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो वो हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशंस। क्वार्टाइल डेविएशंस इसको कहीं कहीं पर आप ये नाम से भी जानोगे, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब जो है क्वार्टाइल डेविएशंस का मतलब वही है। ओके, और जो एग्जाम में आ रहे हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है और उसका क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, मीन डेविएशंस निकालो, मीन निकालो, मोड निकालो, ऐसे करके क्वेश्चंस आता है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको आना चाहिए। ओके, तो यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, ये है हमारा स्कोर और यहां पर रेंज निकालने को कहा जा रहा है, तो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू हमको पता चल गया है और वहां पर हम डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा इसका रेंज। और यहां पर अगर QD निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, IR निकालना पड़ेगा। IR के लिए आपको Q3 निकालना पड़ेगा, Q1 निकालना पड़ेगा। और Q1 Q3 निकालने के लिए Q1 का मतलब क्या हो गया, Q1 का मतलब हो गया जितना आइटम्स है, जितना स्कोर है उससे हम प्लस 1 करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो ये उतने नंबर का आइटम या फिर उतने नंबर का स्कोर ये हो जाएगा पहला क्वार्टाइल। ओके, यहां पर फिर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड क्वार्टाइल वैल्यू। ओके, यहां पर अगर 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड क्वार्टाइल। ओके, थर्ड क्वार्टाइल का स्कोर या फिर आइटम। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादातर हम किसके ऊपर डील कर रहे हैं, Q1 और Q3 के ऊपर डील कर रहे हैं, तो सेकेंड वाला हम नहीं निकालेंगे। ओके, तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा N+1 बाय 4th आइटम, यानी कि N कितना है, N है 7 है, 7 में 1 प्लस करके 4 डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 बाय 4, यानी कि सेकेंड आइटम है 50, तो 50 हो गया हमारा Q1। ठीक वैसे ही Q3 भी निकाल पाओगे 80, तो दोनों निकल गया तो इंटर क्वार्टाइल रेंज भी आप निकाल पाओगे। और ये है Q3 माइनस Q1, यानी कि 80 माइनस 50 यानी कि 30 हो गया इसका आंसर्स। लेकिन QD का मतलब क्या है, QD का मतलब हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज को 2 में से डिवाइड करना है, यानी कि हमारा आंसर्स आएगा 15। ओके, फिर है कोएफिशिएंट ऑफ QD। कोएफिशिएंट हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम बेटर वे में कंपेयर करना चाहते हैं। ओके, तो जो डिस्पर्शंस का रिलेटिव मेजर है इन टर्म ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस उसको कहा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस। इट इज प्योर नंबर फ्री, यहां पर नंबर से बात किया नहीं जाएगा, यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर आपको परसेंटेज में दिया जाएगा। ओके, और ये ज्यादातर कंपैरिजन के लिए ही हेल्प होता है। तो कैसे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाला जाता है, इट इज द रेशियो बिटवीन इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड द सम ऑफ इट एक्सट्रीम पॉइंट। ये रेंज नहीं है, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है। ओके, इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट, ये हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस। इसको क्विकेस्ट वे में आपको याद करना है Q3 माइनस Q1
डिवाइडेड बाय क्यू थ्री प्लस क्यू वन। ओके, माइनस वाला ऊपर रहेगा, प्लस वाला नीचे रहेगा, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ क्यू डी। ओके, तो इसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, यूजेस क्या है, इसको भी थोड़ा दे लेते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट है, बाकी जो कोएफिशिएंट आप निकालोगे वहां पर बहुत डिफिकल्टी आएगी, लेकिन ये सिंपलेस्ट है और ये इजी टू बी अंडरस्टैंड है और ये एक्सट्रीम स्कोर द्वारा इफेक्ट नहीं होता। ओके, फिर डीमेरिट क्या है, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि हम दो क्वार्टाइल ले रहे हैं, दो पॉइंट के साथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस नहीं ले रहा है, दो ही ऑब्जर्वेशंस ले रहा है, यानी कि ज्यादातर ये पॉइंट को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, क्वार्टाइल डेविएशंस में दो ही क्वार्टाइल को हम ले रहे थे, यानी कि सिर्फ 50% डाटा को ले रहे थे, बाकी 50% को हम इग्नोर कर रहे थे। इसको लेके आप फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। ओके, और ये फ्लक्चुएट भी होता है सैंपलिंग के द्वारा। ओके, फिर हो गया क्यूडी के यूजेस। क्यूडी के यूजेस क्या है, क्यूडी के द्वारा हम क्या कर पाते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं, या फिर कितना ज्यादा स्प्रेड है मीडियन की तरफ, इसको भी जान पाते, क्योंकि ये बीच का पार्ट ले रहा है, तो मिडिल में कौन है, मिडिल में है Q2 को कहा जाता है मीडियन, तो मीडियन के इर्द गिर्द कितना स्कैटर्डनेस है उसको जान पाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हो गया मीन डेविएशंस, इसको एवरेज डेविएशंस भी कहा जाता है। ओके, मीन डेविएशंस माना हम मीन से कितना ज्यादा डेविएट हो रहा है, उसी के चलते हम कैलकुलेट करेंगे। यहां पर मीन डेविएशंस का मतलब आप ऐसे मत समझना कि सिर्फ मीन के द्वारा ही हम डेविएशंस निकालेंगे, यहां पर कोई भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो सकता है, वो मीन भी हो सकता है, मेडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, लेकिन इसका नाम ही रहेगा मीन डेविएशंस, मीन डेविएशंस। ओके, तो ये तीनों को लेके हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो मीन के द्वारा ज्यादातर कैलकुलेट होते हैं या फिर मेडियन के द्वारा भी कैलकुलेट होते हैं। ओके, इनका कैलकुलेशंस का रूल क्या है, मीन डेविएशंस इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू डेविएशंस, ओके, डिवाइडेड बाय एन, यानी कि आपको पहले डेविएशंस निकालना पड़ेगा, फिर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सभी का जोड़ निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आपको निकालना पड़ेगा। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी क्या है, सभी का कोएफिशिएंट अच्छे से आपको मालूम कर देना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन कोएफिशिएंट में से आ जाता है। ओके, तो कोएफिशिएंट क्या है, मीन डेविएशंस और एवरेज जो है, यानी कि मीन हो सकता है या फिर मेडियन हो सकता है या फिर मोड हो सकता है, इनका जो रेशियो होगा वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, यानी कि मैथमेटिकली हम अगर कहेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एमडी इज इक्वल टू क्या होगा, मीन डेविएशंस डिवाइडेड बाय मीन, अगर हम मीन का कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं तो वो होगा, अगर हम मेडियन का निकाल रहे हैं तो मीन डेविएशंस डिवाइडेड बाय मेडियन हो जाएगा, अगर मोड का निकाल रहे हैं, मोड का तो नहीं निकालते हैं, मीन डेविएशंस बाय मोड हो सकता है। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक इनकम दिया गया है, 5 एम्प्लॉई का मंथली इनकम है, ये मंथली इनकम है, यहाँ पर हमको मीन डेविएशंस निकालना है, तो मीन डेविएशंस हम मीन के द्वारा भी निकालेंगे, इसके साथ साथ मेडियन के द्वारा भी निकालेंगे, देखो यहाँ पर मीन के लिए भी है, मेडियन के लिए भी है। ओके, तो यहाँ पर मीन निकालने के लिए पहले तो आपको सारे नंबर को जोड़ना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, इसके साथ डिवाइडेड बाय 5 करने से आपको मिलेगा मीन। ओके, अगर इसका आप मीन निकालोगे 38650 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 7730। ओके, ये हो गया आपका मीन, तो ये वैल्यू कितना डेविएट हो रहा है, यानी कि आप क्या करोगे, यहां पर 7730 -6350 इससे कितना डेविएट हो रहा है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस को इग्नोर करने के लिए हम क्या लेंगे, मॉडुलस वैल्यू लेंगे या फिर मोड लेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा 1380, ठीक वैसे ही 7730 से फिर हम 7500 को माइनस करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा, ऐसे करके सभी का डेविएशंस निकालना है, उसका जोड़ करना है, और यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यहाँ पर भी आपको पहले मेडियन निकालना है, मेडियन क्या है, ये पांचों देखो सीरियल में है, तो बीच वाला ही मेडियन होगा, तो इसी से ही माइनस करना है, 7920 -6350, तो ये होगा 1570 पहला वाला,
ऐसे करके आपको निकालना है। ओके, यहाँ पर भी डेविएशन निकालना है, फिर डेविएशन का टोटल कर देना है। अगर ये नंबर दो बार तीन बार चार बार होता तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी आता तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता यहाँ पर जितना जितना फ्रीक्वेंसी होता, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ही नहीं तो एफ यहाँ पर वन लिया जाएगा। ओके, तो इसी के हिसाब से अगर आप देखो तो मीन के हिसाब से आपने मीन निकाल लिया और डेविएशंस निकाल दिया, डेविएशंस का टोटल कर दिया। टोटल के बाद आप डिवाइडेड बाय एन करोगे, जितना नंबर्स है जितना स्कोर है, यानी कि 5 स्कोर है तो हमारा टोटल जो डेविएशंस का सम था 3220 था, और डिवाइडेड बाय हम करेंगे टोटल नंबर्स तो ये हो जाएगा 644। ओके, यहाँ पर क्या है, मीडियन हमने निकाल दिया 7920 और उसका डेविएशंस निकाल दिया, डेविएशंस का सम हो गया 3030 और टोटल नंबर्स थे 5, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 606। ओके, तो यहाँ पर मीन डेविएशंस कितना हो रहा है, 606 हो रहा है, यहाँ पर मीन डेविएशंस कितना हो रहा है, 644 हो रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है। ओके, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा मीन डेविएशंस डिवाइडेड बाय मीन। ओके, मीन डेविएशंस कितना आया है, मीन डेविएशन 644 आया है, फिर मीन कितना आया है, मीन आया है 7730। ओके, 7730 और इसका पॉइंट वैल्यू में आएगा, एक से कम ही होगा। ठीक वैसे ही हम मीडियन का भी निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन। तो क्या है मीन डेविएशंस का मेरिट, डीमेरिट और यूजेस, उसको भी देख लेते हैं। मीन डेविएशंस कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, जैसे कि हम स्टैंडर्ड डेविएशंस में देखेंगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी हो जाता है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशंस की तुलना में ईजी है। ओके, इसको समझना भी आसान है। फिर ये देखो जितना भी ऑब्जर्वेशंस है, यहाँ पर सभी ऑब्जर्वेशन को लेके ही मीन डेविएशंस निकाल रहे हैं। मीन डेविएशंस फिर रिजिडली डिफाइंड है, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये स्टैंडर्ड डेविएशंस एक्सट्रीम स्कोर द्वारा जितना ज्यादा अफेक्टेड होता है इससे कम होता है मीन डेविएशंस। ओके, मीन डेविएशंस स्टैंडर्ड डेविएशंस की तुलना में कम अफेक्टेड होता है। डीमेरिट क्या है, ये साइन को इग्नोर करता है, जो डी हम ले रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलस ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम साइन को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, फिर इसका दूसरा जो डीमेरिट है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन से कम प्रिफरेबल होता है, यानी कि हम स्टैंडर्ड डेविएशंस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं और ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। हमने देखा कि मीन वैल्यू से लेके जो हमने मीन डेविएशंस निकाला और मेडियन से लेके जो मीन डेविएशंस निकाला, ये दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, यानी कि एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर हो गया मीन डेविएशंस को कहाँ पर हम यूज करते हैं, यूजेस ऑफ मीन डेविएशंस क्या क्या है उसको भी दे लेते हैं। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सट्रीम स्कोर द्वारा अफेक्ट हो जाते हैं हम मीन डेविएशंस को यूज करते हैं। अच्छे से इसको याद कर लो, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में। फिर वेरिएबिलिटी को जानने के लिए मीन डेविएशंस काम आता है। फिर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशंस के स्टेबिलिटी को बेटर वे में जानना चाहते हैं, उसको एसेस करना चाहते हैं, उसको कंपेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी मीन डेविएशंस काम आता है। ओके, फिर नेक्स्ट हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पॉपुलर सबसे कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शंस है स्टैंडर्ड डेविएशंस। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस एब्सोल्यूट डिस्पर्शंस को बेटर वे में मेजर करता है। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है, इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन, जिसको कि हम डोनेट करते हैं सिग्मा के द्वारा। ओके, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसके बहुत सारे विधियां हैं, कुछ विधियां भी थोड़ा देख लेंगे। ओके, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं तीन चार नंबर दे देगा, स्कोर दे देगा और इसका स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना है निकालो ऐसे भी कहता है। तो एक्चुअल मीन मेथड जो है स्टैंडर्ड डेविएशंस यहां पर कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये हो गया मीन, और मीन से कितना डेविएट हो रहा है उसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं और टोटल उसका सॉम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एन करके इसका रूट ओवर निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशंस। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशंस एज्यूम मीन मेथड में भी निकाला जाता है, डायरेक्ट मेथड में भी, स्टेप डेविएशंस मेथड में भी, बहुत सारे फॉर्मूलेज इसके हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है, इसको अच्छे से आप याद कर लो, इसको लेके आपको क्वेश्चंस भी दिया जा सकता है। ओके, तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एसटी वो भी देख लेते हैं।
ज़्यादातर आप देखोगे जैसे मीन में था ना, मीन में क्या होता था, मीन में कुछ भी हम स्कोर में ऐड करेंगे तो मीन में भी उतना ऐड हो जाएगा, कुछ भी हम स्कोर में से माइनस करेंगे तो मीन में से उतना माइनस हो जाएगा, कुछ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ भी हम डिवाइड करेंगे स्कोर से तो ये भी मीन में उतना डिवाइड हो जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर आप कुछ भी ऐड करो सब्स्ट्रैक्ट करो किसी भी स्कोर के साथ, स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑन अफेक्टेड रहेगा, ऑन अफेक्टेड रहेगा। लेकिन अब अगर मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशंस उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि मीन में क्या हो रहा था, स्कोर में प्लस माइनस करने से यहाँ पर भी प्लस माइनस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर स्कोर में प्लस माइनस करने से स्टैंडर्ड डेविएशंस में नो चेंजेस हो रहे हैं, नो चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड है ये दोनों में सेम है। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप मल्टीप्लाई करोगे, जितना आप मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे उतना यहाँ पर भी चेंजेस आ जाएगा। ओके, तो क्या है इसका मेरिट डिमेरिट यूज, इसको भी देख लेते हैं। तो ये रिजिडली डिफाइंड है क्योंकि इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उसी के आधार पे आप भी निकाल सकते हो, मैं भी निकाल सकता है, कोई भी निकाल सकता है। यानी कि ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा यहाँ पर रहेगा तो ये कंसिस्टेंट है, रिलेबल भी होगा। ओके, यहाँ पर सारे ऑब्जर्वेशंस को ले के ही स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाला जा रहा है, इसीलिए इसका स्टेबिलाइजेशन सबसे ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाता है। ओके, यहां पर जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम माइनस साइन को स्टेबिलाइज करना चाहते हैं। ओके, और इसको कहा जाता है मोर स्टेबल देन अदर डिस्पर्शन, सबसे स्टेबल डिस्पर्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसीलिए तो इसको ज्यादा यूज किया जाता है, ये ज्यादा पॉपुलर है, ये अच्छे से याद करो। जैसे मीन सबसे स्टेबल है, स्टेबल क्यों हो रहा है, क्योंकि सारे वैल्यू स्कोर 1 स्कोर 2 स्कोर 3 स्कोर 4 सारे स्कोर को लेके आप काम कर रहे हो, मीन में भी सारे वैल्यू आ रहे थे, यहाँ पर भी सारे वैल्यू को ऐड किया जा रहा है और फिर मीन डेविएशंस निकाला जा रहा है, उससे स्टैंडर्ड डेविएशंस निकल रहा है। तो यहाँ पर सारे स्कोर जब आप यूज करोगे तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो मीन सबसे स्टेबल है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में और स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे स्टेबल है डिस्पर्शन में। ओके, इसको हम फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं जैसे मीन को यूज किया जाता था। ओके, और ये सबसे एक्यूरेट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। ओके, फिर इसका क्या है डीमेरिट ये भी देख लेते हैं। ये इजीली कैलकुलेट नहीं हो पाता, बहुत सारे डेविएशंस निकालोगे, स्क्वायर करोगे, डिवाइड करोगे एन के साथ, फिर जाके आपका निकलेगा। तो ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड भी है, डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट भी है। तो इसको हम कहाँ पर यूज करेंगे, जब हम ग्रेटर स्टेबिलिटी नीड करते हैं वहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशंस को यूज करेंगे। ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशंस को लेके हम को रिलेशंस को ज़्यादा बेहतर में एनालिसिस कर पाते हैं। ओके, तो हमने पढ़ लिया क्वार्टाइल डेविएशंस, मीन डेविएशंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो इन तीनों के बीच क्या रिलेशंस है उसको भी जान लेते हैं। इसको लेकर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है स्टैंडर्ड डेविएशंस का, उससे फिर स्मॉलर है मीन डेविएशंस, उससे स्मॉलर है क्वार्टाइल डेविएशंस। ओके, तो मीन डेविएशंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस में क्या रिलेशनशिप है, मीन डेविएशंस इज इक्वल टू 4/3 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशंस। इसका भी आप देख लो, QD इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशंस। इसको अगर आप याद करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिडिल में M यानी कि मीन डेविएशंस और लास्ट में Q आता है यानी कि क्वार्टाइल डेविएशंस, यहाँ पर 4, 5 और 6 कर दो और इक्वल टू लगा दो। जिसका भी क्वेश्चंस आएगा उसको ही रिलेट करना है। सपोज SD और MD का रिलेशंस आया है, इसको आप याद करके SD इज इक्वल टू 5/4 MD कर लो और यहाँ से आप निकाल सकते हो, या फिर MD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 को यहाँ पर लेके डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा इतना SD। ऐसे करके आपको यूज करना है, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर हो गया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व।
नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को कई कई कहते हैं गेसियन कर्व कहते हैं, और ये ज़्यादातर आप देखोगे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो पॉपुलेशंस होते हैं वहाँ पर ही हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व देखते हैं। ये एक तरह के सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी है, और ये तो इसका पूरा डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है। एनपीसी या फिर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक सिमेट्रिकल कर्व है, और इसका एक हम जैसा होता है इन द मिडिल पार्ट, और ये ग्रेजुअली क्या होता है डिक्रीज होते जाता है टुवार्ड्स द एंड, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं मिलता। मिलता कहाँ पर है? इन्फिनिटी में, यानी कि ये कहीं पर भी टच नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, ये बेल सेपेड है, ये होम्स जैसा ही है, ये होम्स जैसा ही है, बेल सेपेड है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं मीट होगा, ये ऐसे ऐसे जाता रहेगा लेकिन यहां पर मीट नहीं होगा, यानी कि ये इन्फिनिटी में मीट होगा ऐसे कहा जा रहा है। ओके, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है यहां पर रहता है, मीन और मेडियन और मोड ये सारे के सारे यहां पर रहते हैं, यानी कि मीन मेडियन मोड तीनों एक ही लाइन में रहते हैं, एक ही वैल्यू इनका होता है। और इसको जो मेजर करते हैं हम, कैसे हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं सिग्मा के द्वारा, यानी कि इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशंस के द्वारा ज़्यादातर मेजर करते हैं। ओके, तो क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको भी अच्छे से याद कर लो। ओके, तो ये बेल सेफेट कर्व है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम दो पार्ट करेंगे तो ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा, इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल। और ये बायलैटरल सिमेट्रिकल है, यहाँ पर ये दो साइड में अगर आप यहाँ पर पीस करोगे और दोनों को एक जैसा मोड़ दोगे तो सेम ही दिखेगा, बायलैटरल है, दोनों साइड में फैला हुआ है। यहां पर स्क्यूनेस नहीं होता, जीरो स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस क्या है वो आगे चल के हम देखेंगे। हेयर मीन मेडियन मोड्स आर ऑल इक्वल, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी अच्छे से याद कर लो। और ये जो होता है कई तरह के होते हैं, जहां पर अगर एक एनपीसी है तो उसको हम कहेंगे यूनिमोडल, दो एनपीसी है तो बाईमोडल, तीन है तो ट्राईमोडल है, ये ट्राईपॉड नहीं ट्राईमोडल है। ओके, यहां पर देखो ये यूनिमोडल हो गया, अगर बाईमोडल है तो ऐसे करके रहेगा बाईमोडल। ओके, और ट्राईमोडल है तो एक दो तीन ऐसे करके रहेगा। ओके, यहाँ पर जो रेंज लिया जाता है ज़्यादातर -3 सिग्मा से +3 सिग्मा का ही लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन ज़्यादातर आप देखोगे यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादातर 10,000 तक लिया जाता है। और ये तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, एनपीसी का कॉर्टेसिस वैल्यू कितना है 0.263। ओके, सिग्मा इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन डेविएशंस, यहां पर सिग्मा के द्वारा क्या क्या जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा या फिर -1 सिग्मा -2 सिग्मा या फिर -3 सिग्मा। ज्यादातर आप देखोगे जो 99% है, यानी कि ऑलमोस्ट 100% है, ये -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच ही रहता है, इसीलिए इसका रेंज ज्यादातर -3 सिग्मा से +3 सिग्मा ही लिया जाता है। लेकिन आगे भी थोड़ा थोड़ा रहता है ऐसे करके, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जा रहा है लेकिन इन्फिनिटी तक जाएगा, तो यहाँ पर जो थोड़ा पर्सन्स रह रहा है उसको अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो ये ज़्यादातर ये जो जितना भी है ये 99.74 है, यानी कि ऑलमोस्ट 100% है। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 सिग्मा के जो रेंज है -1 सिग्मा और +1 सिग्मा, यहाँ का पॉपुलेशन होता है 68.26 और 2 सिग्मा के बीच होता है 95.44। जब आप रिसर्च करोगे तो क्या है इसका रियल मतलब जानोगे। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम 95% पॉपुलेशंस को अगर देखेंगे उसके लिए सिग्मा होता है -1.96 और +1.96 सिग्मा के बीच ही ये रहता है 95% पॉपुलेशंस। अगर 99% पॉपुलेशंस को आप कैलकुलेट करना चाहते हो, उसका एनपीसी में जगह देखना चाहोगे तो ये हो जाएगा -2.58 सिग्मा से +2.58 सिग्मा में 99% आता है। जब हमने एचओ टेस्ट यानी कि जो नॉल हाइपोथेसिस टेस्टिंग था 1% सिग्निफिकेंस 5% सिग्निफिकेंस पढ़ा था, ये यहाँ पर रिलेट कर रहा है। मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर लाऊंगा ताकि आप कैसे बेटर वे में
नॉल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर पाओ, क्या है सिग्निफिकेंस लेवल, इसको कैसे मेजर किया जाता है, उसका एक हायर वर्सन्स वाला एक मैं वीडियो लाऊंगा। यहाँ पर उतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, टाइम बहुत कम है, तो हम सिर्फ फंडामेंटल ही जानेंगे यहाँ पर। ओके, फिर होता है स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस का मतलब हो गया नॉर्मैलिटी से कितना डेविएट हो रहा है, उसको जानना ही स्क्यूनेस है। यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से कितना डेविएट हो रहा है, कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, इसको ये इंडिकेट करेगा। यानी कि ये ज़्यादातर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। और ज़्यादातर आप देखो कि यहाँ पर क्या होगा, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशंस ये अलग अलग होते हैं। ओके, तो स्क्यूनेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्क्यूनेस कैलकुलेट होता है मीन और मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशंस को लेके। अगर मीन और मीडियन का डिफरेंस करेंगे और इसका 3 गुना करके उसको अगर डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशंस के साथ, तो वो हो जाएगा स्क्यूनेस। ओके, स्क्यूनेस। और अगर हम परसेंटाइल के हिसाब से देखेंगे तो 90th percentile और 10th percentile ये दोनों को मिला के इसको 2 भाग करेंगे, और उससे हम 50th percentile को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हो जाएगा स्क्यूनेस। ओके, तो 2 तरह के स्क्यूनेस ज़्यादातर होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड और दूसरा होता है नेगेटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशंस ज़्यादातर आप देखोगे नेगेटिव साइड पर कंडेंस होते हैं, कॉन्ग्रीगेट होते हैं, उसको ही कहा जाता है पॉजिटिवली स्क्यूड। ओके, अगर आप ड्रॉ करोगे यहाँ पर तो ये क्या होगा, ऐसे हो कि यहाँ पर ढलान हो रहा है, तो पॉजिटिव साइड कहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव साइड उस साइड पर जा रहा है, ढलान इस साइड पर हो रहा है, यानी कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। लेकिन इस साइड में अगर देखोगे ज़्यादातर डाटा आपका नेगेटिव साइड में है, यानी कि कॉन्ग्रीगेट किस साइड पर हो रहा है, नेगेटिव साइड में हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टेल किस साइड में जा रहा है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा ज़्यादातर होता है जहाँ पर ज़्यादा इंडिविजुअल अगर लेस स्कोर लाएंगे, ज़्यादा इंडिविजुअल कम स्कोर लाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा इंडिविजुअल कम मार्क्स ला रहे हैं, इसीलिए पॉजिटिवली स्क्यूड दिखेगा। ओके, और पॉजिटिवली स्क्यूड में ज़्यादातर आप मीन देखोगे ये राइट साइड में ज़्यादातर होता है। ओके, और यहाँ पर मीन सबसे बड़ा होगा, वहाँ पर मोड सबसे छोटा होगा, और मीडियम रहेगा मीडियन। ओके, और ये क्यों होता है, अगर डॉल अचीवर ज्यादा है तो ये दिखाई देगा। ओके, फिर नेगेटिवली स्क्यूड क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड में आप ज्यादातर देखोगे ये ऐसा ढलान होगा, यहां पर इस साइड में ढलान ज्यादा होगा, यानी कि आपका जो पीक पर्सन है ये पॉजिटिव साइड में रहेगा, तो लॉन्ग टेल किस साइड हो रहा है, यहां पर इस साइड में लॉन्ग टेल हो रहा है, यानी कि नेगेटिव साइड में लॉन्ग टेल हो रहा है। और ये क्यों होता है, अगर आपके ग्रुप में ज्यादा इंडिविजुअल हायर मार्क ले आ रहे हैं तो यहां पर होगा नेगेटिवली स्क्यूड। ओके, तो यहां पर मीन क्या होगा, ऑलवेज पीक वैल्यू के लेफ्ट साइड में रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं, मोड सबसे बड़ा होगा, मीन सबसे छोटा होगा, मिडिल में हमेशा मीडियन रहेगा। ओके, तो ये है इसका रियल पिक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हो ढलान किस तरफ आ रहा है, यहाँ पर ढलान इस तरफ आ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। यहाँ पर ढलान किस तरफ आ रहा है, नेगेटिव की तरफ आ रहा है, यानी कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है। यहाँ पर ढलान किसी भी तरफ नहीं आ रहा है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल है, तो ये हो गया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो यहाँ पर मीडियन कहाँ आ रहा है, देखो मोड तो यहाँ पर आ रहा है, मीडियन यहाँ पर आ रहा है, या मीन यहाँ पर आ रहा है, तो मीन क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर यहाँ रहता है, सपोज यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 10 हो रहा है, 15 हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मीन आ रहा है यानी कि मीन बड़ा हो रहा है, फिर मीडियन यहाँ पर है और मोड यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मीन सबसे बड़ा है, फिर मीडियन है और फिर मोड है। ओके, लेकिन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सबके सब समान ही होते हैं, मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, ये सारे के सारे समान है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीन छोटा हो जाएगा,
मीडियन उससे बड़ा और मोड सबसे बड़ा हो जाएगा। मीन से बड़ा मीडियन है, मीडियन से बड़ा मोड है, या तो ये होता है नेगेटिव स्क्यूड में। फिर होता है कॉर्टोसिस। कॉर्टोसिस क्या है? कॉर्टोसिस मतलब कितना पीकनेस है या फिर फ्लैटनेस है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हम जानना चाहते हैं, इसको कहा जाता है कॉर्टेसिस। तो कॉर्टेसिस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो क्वार्टाइल डेविएशन है उससे हम क्या करेंगे, जो 90th percentile है और 10th percentile है उनका डिफरेंस निकालेंगे और क्या करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशंस और उनका रेशियो निकालेंगे, तो वो हो जाएगा कॉर्टेसिस। ज्यादातर कॉर्टेसिस आप देखोगे तीन तरह के होते हैं, एक होता है लेप्टो, दूसरा होता है मेसो और तीसरा होता है प्लाटी। लेप्टो का मतलब ये ज्यादा पीक होगा, ऐसे हो जाएगा, ओके। मेजो का मतलब मीडियम ही होता है जैसे एनपीसी रहता है, और प्लाटी का मतलब ज्यादा ये फ्लैटर हो जाएगा, ओके। तो लेप्टो का मतलब पीक है, हाईएस्ट होता है, प्लेटी का मतलब फ्लैटर होता है, और सबसे लोएस्ट वाला भी होता है, और मीडियम वाला जो होता है वो होता है मेसो, ओके। तो एनपीसी का कॉर्टेसिस कितना होता है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से याद कर लो। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैं एक जो सेपरेट वीडियो लाऊंगा वहां पर आप बेटर समझ पाओगे, ओके। ये वैल्यू को हम अगर मिडिल वैल्यू लेंगे तो यहां से जो ग्रेटर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटी कैटेगरी में चला जाएगा, और यहां से अगर स्मॉलर हो गया तो ये लेप्टो कैटेगरी में चला जाएगा, ओके। फिर आपके जो एसएसबी के सिलेबस में है टी टेस्ट है और चाय स्क्वायर टेस्ट है, यानी कि एक पैरामेट्रिक टेस्ट दिया गया है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दिया गया है, ओके। तो क्या है, टी टेस्ट देख लेते हैं, फिर चाय स्क्वायर टेस्ट भी देखेंगे। ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसका भी क्वेश्चंस आता है, 3-4 दे देगा, और कौन सा पैरामेट्रिक है कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए भी बोलता है अच्छे से आपको, पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से है इसको भी जानना है। और ये टी टेस्ट किसने दिया है, ये दिए है WS गॉसेट ने 1908 में दिए है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं मीन का जो दो ग्रुप दिया गया होता है, जैसे कि कंट्रोल ग्रुप हो गया, ट्रीटमेंट ग्रुप हो गया, ये दोनों ग्रुप के मीन को हम कंपेयर करते हैं, ओके। तो टी टेस्ट हम कहाँ पर यूज करेंगे, जहाँ पर पॉपुलेशन पैरामीटर नॉर्मल होगा वहाँ पर हम यूज करेंगे, जहाँ पर स्मॉलर सैंपल साइज होगा यानी कि 30 से कम होगा और स्टैंडर्ड डेविएशंस अननोन होगा वहां पर हम टी टेस्ट यूज करेंगे, यहां से ज्यादा हो गया तो जेड टेस्ट हम करते हैं, ओके। यहां पर पॉपुलेशंस वेरिएबल क्लियरली पता नहीं है हमको, अननोन है, इसीलिए हम टी टेस्ट यूज कर रहे हैं। इसको कोई कोई कहता है स्टूडेंट टी टेस्ट, फिर वेल्स टी टेस्ट, ऐसे करके नाम दिया जाता है। और यहाँ पर कोरिलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट इन पॉपुलेशंस जो होता है वो होता है 0। और यहाँ पर जो डिजायर ऑफ फ्रीडम है जिसको कि वी हम कहते हैं, वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन माइनस वन होता है, वी इज इक्वल टू एन माइनस वन होता है। और टी टेस्ट ज्यादातर हम यूज करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट को निकालने के लिए, जो कि हम रिग्रेशन में ज्यादातर पढ़ते हैं, ओके। तो टी वैल्यू कैसे निकालते हैं, टी वैल्यू इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ग्रुप मीन डिवाइडेड बाय वेरिएबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। उसी ग्रुप का हम क्या करेंगे, वेरिएबिलिटी भी निकालेंगे और मीन डिफरेंस भी निकालेंगे, जो कि दो तरह के वेरिएबल्स थे, एक कंट्रोल वाला था एक मैनिपुलेटेड वाला था, और इसी का ही रेशियो निकाल के हम टी वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो ये टी वैल्यू नहीं है, ये है टी स्कोर, ओके। टी स्कोर है, टी वैल्यू तो नहीं है, टी स्कोर है, ओके। बहुत ज्यादा टाइप एरर है, ओके। तो टी स्कोर रेफर्स टू एनी सेट ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैंडर्ड स्कोर। तो टी स्कोर को भी लेके एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, टी स्कोर क्या है, टी स्कोर का मतलब 50 प्लस 10 जेड मतलब स्टैंडर्ड स्कोर, स्टैंडर्ड स्कोर का 10 टाइम, ओके। स्टैंडर्ड स्कोर का 10 टाइम प्लस 50, ये हो जाएगा टी स्कोर। इसको लेके भी क्वेश्चंस आते हैं, ओईएस में भी एक क्वेश्चंस आया था, ओके। फिर हो गया जेड स्कोर, जेड कैसे हम निकालेंगे, जेड स्कोर क्या होता है, जेड स्कोर होता है अगर हम रॉ स्कोर जो हमारे पास मिला है उसको हमको स्टैंडर्ड स्कोर में डिवाइड करना है, स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करना है, तो हम जेड स्कोर यूज करेंगे। और ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, सबसे सिंपलेस्ट वे है, ओके। और जेड स्कोर का मीन हमेशा 0 ही होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 ही होता है, 1 ही होता है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं,
हैं जो डेविएशंस फ्रॉम द मीन है और जो स्टैंडर्ड डेविएशंस है उसका रेशियो ही जेड स्कोर है, यानी कि एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय एस डी। एक्स का मतलब हो गया रॉ स्कोर, एम हो गया मीन, और ये दोनों का डिफरेंस माना ये मीन से कितना डेविएट हो रहा है, यही है इनका डिफरेंस। फिर होता है एस डी, एस डी माना सिग्मा, सिग्मा माना स्टैंडर्ड डेविएशंस। ओके, तो ये हो गया डेविएशंस डिवाइडेड बाय सिग्मा। ओके, तो फिर होता है चाई स्क्वायर टेस्ट। चाई स्क्वायर टेस्ट एक तरह की नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। तो चाई स्क्वायर टेस्ट किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने दिया है। पियर्सन के साथ साथ गिलफर्ड भी बहुत ज्यादा यहाँ पर योगदान दिए है। गिलफर्ड तो ऐसे भी कहते हैं कि चाई स्क्वायर टेस्ट क्या है? जनरल पर्पस स्टैटिस्टिक्स है, जनरल पर्पस स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पर ज्यादातर देखोगे क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एजम्पशंस रिगार्डिंग नॉर्मेलसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस या फिर होमोजेनिसिटी नहीं रहेगा। ओके, और चाई स्क्वायर टेस्ट हम कहाँ पर यूज करते हैं? चाई स्क्वायर टेस्ट ज्यादातर आप देखोगे जब डाटा को हम फ्रीक्वेंसी के वे में या फिर परसेंटेज के वे में हमने एक्सप्रेस किया है, वहां पर चाई स्क्वायर टेस्ट यूज होता है। चाई स्क्वायर टेस्ट यूज होता है और चाई स्क्वायर टेस्ट ज्यादातर डिस्क्रीट डाटा के ऊपर काम करता है। ओके, डिस्क्रीट डाटा के ऊपर काम करता है। तो इसका फॉर्मूला भी दिया गया है, इसको अच्छे से याद कर लो। ओके, तो इसका क्या है कंडीशन ऑफ यूज, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर सैंपल साइज लार्जर होना चाहिए, यानी कि 50 से बड़ा होना चाहिए। सैंपल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेल का जो फ्रीक्वेंसी है लीनियर होना चाहिए, तभी हम चाई स्क्वायर टेस्ट को यूज कर पाएंगे। तो चाई स्क्वायर टेस्ट कहाँ पर यूज होता है या फिर इसका यूजफुलनेस क्या है? ये टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फीट, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फीट के लिए हम ज्यादातर चाई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। फिर इंडिपेंडेंस लेवल को जानने के लिए, टेस्ट करने के लिए भी चाई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। होमोजेनिटी को भी जानने के लिए हम चाई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। और चाई स्क्वायर टेस्ट में हम कौन सा सैंपलिंग यूज करते हैं? सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करते हैं, और इसका वैल्यू हमेशा हमेशा 0 से 1 के बीच ही रहता है। ओके, तो ये हो गया पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का दो टूल। ओके, फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कोरिलेशंस। इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चंस हर साल आते हैं, इसको भी अच्छे से याद कर लो, बहुत ही इजी है। ओके, तो कोरिलेशंस क्या है? हम दो या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल्स जो है उनके बीच क्या सहसंबंध है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ही कहा जाता है कोरिलेशंस। कोरिलेशंस यहाँ पर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, जीरो आता है, लीनियर आता है, बहुत सारे इसके टाइप्स वगैरह है, उसके ऊपर ही आपका क्वेश्चंस आता है। ओके, तो जो बायलिस है, बायलिस क्या कहते हैं? ये कहते हैं कोरिलेशंस एक तरह के रिलेशनशिप है दो या फिर दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच या फिर वेरिएबल्स के बीच। ओके, उसको ही जो एक्सप्रेस करता है वो है कोरिलेशंस। यहाँ पर कई तरह की कोरिलेशंस होते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव कोरिलेशंस, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल्स भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शंस में जब होता है उसको कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशंस। ओके, एक बढ़ रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। ओके, यानी कि सेम डायरेक्शंस में ये जा रहे हैं, जैसे कि IQ और एकेडमिक अचीवमेंट। IQ जितना ज़्यादा होगा एकेडमिक अचीवमेंट भी उतना ज्यादा होगा, IQ जितना कम होगा अचीवमेंट भी उतना कम होगा। ये क्या है? ये पॉजिटिव कोरिलेशंस को बता रहा है। फिर दूसरा होता है नेगेटिव, इसका उल्टा होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, पहले घटेगा तो दूसरा वाला बढ़ेगा, ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन। जीरो का मतलब होगा कोई भी कोरिलेशंस नहीं है। लीनियर का मतलब हो गया एक प्रोपोर्शन से अगर बढ़ता जा रहा है, नॉन लीनियर मतलब रेंडमली बढ़ रहा है, कोई भी प्रोपोर्शन नहीं है, तो उसको भी आगे चल के हम देखेंगे। ओके, तो नेगेटिव कोरिलेशंस का मतलब क्या है? एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है, ऐसे रिलेशंस अगर होंगे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूवमेंट होगा, तो ये होगा नेगेटिव कोरिलेशंस। जैसे कि डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा उतना कम टाइम
होता जाएगा पहुंचने में, ओके, या फिर जितना ज्यादा टाइम होता जाएगा आपका डिस्टेंस घटता जाएगा, ओके। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में इनका रिलेशंस आ रहा है, इसको कहा जाएगा नेगेटिव रिलेशंस, ओके। फिर नेक्स्ट है जीरो कोरिलेशंस, यानी कि कोरिलेशंस बिल्कुल नहीं है तो उसको कहा जाएगा जीरो कोरिलेशन, यानी कि चाहे आप इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो अदर वेरिएबल में नो इफेक्ट हो रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ व्हीकल एंड एकेडमिक अचीवमेंट, आपके घर में कितना व्हीकल है वो आपका एकेडमिक अचीवमेंट के साथ कोई भी रिलेशंस नहीं है, ओके। फिर होता है लीनियर रिलेशंस, अगर एक प्रोपोर्शन से बढ़ता जा रहा है तो वहां पर हम कहेंगे लीनियर रिलेशंस, यानी कि ऐसा होगा या फिर ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है या फिर उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अगर ये बढ़ता जा रहा है या फिर घटता जा रहा है तो इसको कहा जाएगा लीनियर कोरिलेशंस। लेकिन नॉन लीनियर का मतलब क्या है, अगर एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे होके जा रहा है, रेंडमली जा रहा है तो उसको कहा जाएगा नॉन लीनियर। इसको कहीं कई जगह आप देखोगे कर्वी लीनियर भी लिखा हुआ होता है, ओके। तो गिलफोर्ड ने कोरिलेशंस को एफिशिएंट को लेके अपना एक आइडिया दिया था, यानी कि जीरो से अगर आप देखोगे प्लस पॉइंट टू के बीच रहेगा तो इसको कहा जाएगा नेग्लिजिबल लो, नेग्लिजिबल लो, लेकिन पॉजिटिवली नेग्लिजिबल लो कहा जाएगा। लेकिन जीरो से अगर माइनस पॉइंट टू होगा तो ये नेगेटिवली नेग्लिजिबल लो होगा। फिर ये जो है प्लस पॉइंट टू वन से प्लस पॉइंट फोर होगा तो ये होगा लो, लेकिन पॉजिटिवली लो, ओके। अगर माइनस वाला हो गया तो ये हो जाएगा नेगेटिवली लो, ऐसे करके दिया है गिलफोर्ड ने। और सबसे जो वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा परफेक्ट, परफेक्ट यानी कि जितने भी कोएफिशिएंट है माइनस वन से प्लस वन के बीच ही रहता है। माइनस वन हो गया तो परफेक्टली नेगेटिव, प्लस वन हो गया तो परफेक्टली पॉजिटिव, इनके बीच ही रहेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ओके। तो कोरिलेशंस को हम कैसे मेजर करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स है। जो पहला टेक्निक्स है वो है रैंक डिफरेंस, रैंक डिफरेंस, ओके। यहाँ पर जो वेरिएबल्स है सपोज एक्स और वाई वेरिएबल्स है, इनका जो रैंक्स में डिफरेंस आ रहा है उसको लेके हम जब कोरिलेशंस को स्टडी करेंगे वो हो जाएगा रैंक डिफरेंस। ज्यादातर जो फेमस कॉन्सेप्ट है वो है स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस और केंडल का रैंक डिफरेंस, ओके। आपके सिलेबस में स्पीयरमैन का है तो स्पीयरमैन का जो मेथड है उसको इंडिकेट किया जाता है रो से ओके, ये सिंबल है रो ऐसे करके, ओके। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है कोरिलेशंस कोएफिशिएंट को जानने का। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर कहीं पर स्कोर दिया गया है तो स्कोर को हम रैंक में कन्वर्ट करेंगे और रैंक में कन्वर्ट करके ही उसको हम उसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि उनको कंपेयर करेंगे, ओके। तो यहाँ का जो कंडीशन है, स्कोर को हम पहले क्या करेंगे, रैंक में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन तो यहाँ पर जो डाटा यूज किया जाएगा, सैंपल यूज किया जाएगा, 30 से बिलो होना चाहिए, यानी कि स्मॉल सैंपल का ही कैलकुलेशंस किया जाएगा। तो इसका इक्वेशंस को भी आप याद कर लो, ये तो क्वेश्चंस आता नहीं है लेकिन जस्ट उसको ओवरलुक थोड़ा कर लो, ओके। तो फिर दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट मोमेंट, और ये दिया है कार्ल पियर्सन ने, इसको कई कई जगह लिखा हुआ होता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, ओके। यहां पर ज्यादातर आप देखोगे कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस रिलेशंस होता है। तो कहां पर आप पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट यूज कर पाओगे, जहां पर दो वेरिएबल लीनियर होंगे वहां पर आप पियर्सन की मॉडल को यूज कर पाओगे। और यहां पर मेजरमेंट कौन से स्केल में ज्यादातर होता है, यहां पर इंटरवल में हो सकता है या फिर रेशियो स्केल में हो सकता है, ओके। और इसका मैथमेटिकल इक्वेशंस ये है और कहीं कहीं ये भी आएगा, ओके। तो पियर्सन ने जो दिया है मॉडल वहां पर कोएफिशिएंट का एक रेंज भी बहुत बताते हैं, अगर प्लस वन हो गया तो वो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशंस बता रहा है, माइनस वन हो गया तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशंस को बता रहा है, अगर जीरो हो रहा है तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशंस होगा, और जीरो और माइनस वन के बीच होगा तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन ये अगर जीरो के नजदीक हो रहा है तो ये लो लेवल हो जाएगा, बीच में हो रहा है तो ये हो जाएगा नॉर्मल लेवल का, और अगर माइनस वन की तरफ ज्यादा जा रहा है तो ये हाई लेवल का हो जाएगा, ओके। ठीक वैसे भी पॉजिटिव में भी ऐसा होगा, वन से जीरो के बीच है तो ये पॉजिटिव है, मिड में है तो ये नॉर्मल है,
और ये अगर 1 की तरफ ज़्यादा झुक रहा है तो ये हाई होगा, या फिर 0 की तरफ ज़्यादा झुक रहा है तो लो हो जाएगा। ओके, तो यही है स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस SSB के हिसाब से। ओके, तो क्या क्या MCQs आए हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर दिया गया है, कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर हम ज़्यादातर यूज कर पाएंगे, यहाँ पर ज़्यादातर हम यूज करेंगे मीन को। ओके, यहाँ पर मोड तो होगा ही नहीं, मीडियन भी नहीं होगा, मीडियन भी आप यूज कर सकते हो लेकिन सबसे प्रिफेरेबल कौन होता है, मीन होता है। ओके, इन पॉजिटिव कोरिलेशंस एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई क्या होगा, वाई भी इंक्रीज होगा। पॉजिटिव में क्या होता है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, या फिर कोई डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वाला भी डिक्रीज होगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन इन हुईज वैल्यू ऑफ मीन मीडियन एंड मोर आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल होता है एनपीसी में, ये इक्वल होता है। ओके, एनपीसी में इक्वल होता है, एनपीसी क्या होता है, एनपीसी होता है सिमेट्रिकल, लेकिन जो एसिमेट्रिकल होगा वहाँ पर इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो एसिमेट्रिकल भी हमने पढ़ लिया है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन, देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस दे रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन, मेजर ऑफ डिस्पर्शंस कौन कौन से है, SD है, QD है, ओके, MD है और रेंज है। ओके, ये 4 है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मोड नहीं है, मोड तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस इंडिकेट वीकेस्ट, वीकेस्ट का मतलब क्या है, 0 के जो नज़दीक आएगा, प्लस वाला नज़दीक आ रहा है तो पॉजिटिवली वीकर कहा जाएगा, और माइनस वाला होगा तो वो हो जाएगा नेगेटिवली वीकर। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है ये है सबसे वीकेस्ट है। ओके, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा क्लोज है 0 की तरफ, ये हो जाएगा वीकेस्ट, यानी कि ये हो जाएगा वीकेस्ट एमोंग दीज, वीकेस्ट नेगेटिव कहा जाएगा। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इंडिकेट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, हाईएस्ट लेवल होता है ये। ओके, 0.001। फिर नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू एग्जामाइन द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस चाहे स्क्वायर में नहीं होता, चाहे स्क्वायर तो नॉन पैरामेट्रिक है, कोरिलेशन में तो सहसंबंध देखा जाता है, ये होगा राइट आंसर टी टेस्ट। ओके, देयर इज ए सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशंस बिटवीन एक्स एंड वाई, पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, एक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स कॉजेस वेरिएशंस नहीं है, वाई कॉजेस वेरिएशन नहीं है, बोथ एक्स वाई टुगेदर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे नहीं है, लेकिन देखो बोथ एक्स वाई वेरी टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होगा, अप में जा रहे हैं तो दोनों जा रहे हैं, डाउन में जा रहे हैं तो दोनों जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये होगा इसका राइट आंसर। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, मीन होता है, मोड होता है और मीडियन होता है, ये तीनों होते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन ये मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है या फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर, एक्सट्रीम स्कोर के द्वारा कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, वो होता है मीन होता है, मीन होता है। ओके, एक्सट्रीम स्कोर माना क्या है, एक 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 हो, यहाँ पर सपोज 10,000 है, ये हो गया एक्सट्रीम स्कोर, ये तीनों स्कोर की तुलना में ये एक्सट्रीम स्कोर है, अगर यहाँ पर एक होता तो मीन कितना होता, मीन एक ही होता, लेकिन ये 10,000 हो गया है तो यहाँ पर 1,000 निकल जाएगा मीन। ओके, तो डिग्री एंड द डायरेक्शंस ऑफ लीनियर रिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज मेजर्ड बाय, लीनियर रिलेशंस कहाँ पर मेजर किया जाता है, पियर्सन के कोरिलेशन में। ओके, तो यही था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।